1996 के सिंगर कप का फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच। श्रीलंका दूसरी पारी में बैटिंग कर रही थी। पहली 31 गेंदों में स्कोरबोर्ड पर 70 रन टंग चुके थे। यहां पर पहला विकेट गिरा रोमेश कालू वितरना का, वो 0 रन बनाकर आउट हुए थे। जी हां, सही सुना आपने, टीम के 70 रन के स्कोर पर जो एक ओपनिंग बैट्समैन आउट हुआ उसका स्कोर 0 था। एक्स्ट्रा के 4 रन छोड़ के बाकी सारे रन दूसरे बल्लेबाज ने बनाए थे। क्रिकेट की दुनिया में टेस्ट क्रिकेट से अगला पड़ाव था एक दिवसीय मैच। पहले 60 और फिर 50 ओवर का खेल। टेस्ट के हैंगओवर से बरसों तक आज़ाद ना हो सका था ये फॉर्मेट। सभी टीमों की रणनीति हुआ करती थी कि पहले नई बॉल को सावधानी से खेलकर उसका डंक निकाला जाए, विकेट बचाए जाए, उसके बाद अंत में तेजी से रन बटोरकर अच्छा स्कोर खड़ा कर लें। लगभग इसी डर्रे पर वनडे क्रिकेट बरसों तक चला। फिर सनत जयसूर्या आए और इन्होंने इस गेम की दशा और दिशा ही बदल दी। साल था 1996, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था। श्रीलंका एक ऐसी टीम थी जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन उसी श्रीलंका ने बिना एक भी मैच गंवाए वर्ल्ड कप जीत लिया। कैसे हुआ यह चमत्कार? यह मुमकिन हुआ एक अनोखी रणनीति के चलते। शुरुआती ओवर्स में संभल कर खेलने की परिपाटी को श्रीलंका के ओपनर सनत जयसूर्या और रोमेश कालू वितरना ने कतई खारिज कर दिया, खास तौर से जयसूर्या ने। इसकी जगह पहले 15 ओवर्स की फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का फायदा उठाने की रणनीति बनाई गई। फील्डर्स के सर के ऊपर से बिंदास शॉट खेलने का नुस्खा खोज निकाला। इस फियरलेस बल्लेबाजी को रोकने का कोई तरीका जब तक विपक्षी टीम खोजती, श्रीलंका वर्ल्ड कप घर ले जा चुका था। इस बात पर आज यकीन करना मुश्किल है कि अपने करियर के शुरुआती 5 से 6 सालों तक जयसूर्या को एक बॉलर माना जाता था, ऐसा बॉलर जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता हो। ये तो बाद में खुला कि वो एक अद्भुत स्ट्रोक प्लेयर है। वीरेंद्र सहवाग से पहले जिन गिने चुने खिलाड़ियों का हैंड और आई कोऑर्डिनेशन देखने लायक होता था, उनमें जयसूर्या टॉप 3 में आएंगे। खड़े खड़े बिना किसी फुटवर्क के गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा देने में जो सहजता उन्हें हासिल थी, उसने उन्हें दुनिया भर में फैन बनाए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। June 30, 1969 में श्रीलंका के महानतम बल्लेबाजों में शुमार सनत जयसूर्या का जन्म हुआ। जयसूर्या के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी और वह टीम के अंदर बाहर होते रहते थे। करियर के शुरुआत में श्रीलंका की टीम में उनका रोल एक फिलर की तरह किया जाता था, यानी कोई खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो जाता तो जयसूर्या को टीम में स्थान मिलता। वह प्रमुख तौर पर बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे और निचले क्रम में खेलने के वाले एक उपयोगी बल्लेबाज। साल 1992 का वनडे विश्व कप सनत जयसूर्या के क्रिकेटिंग करियर के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इस विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैच में 300 से अधिक रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने में जयसूर्या ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को जीत दिलाई थी। इस 32 रनों की छोटी सी पारी ने सनत जयसूर्या के करियर में अहम भूमिका निभाई और इसके बाद वो टीम में उन्हें बल्लेबाजी के लिए ऊपरी क्रम में भेजा जाने लगा। यहीं से क्रिकेट की दुनिया को एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज मिला जिसने वनडे और क्रिकेट में ओपनिंग की परिभाषा ही बदल दी और गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जयसूर्या ने शारजा में पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर के 34वें वनडे मैच में पहला अर्धशतक जड़ा। वह टीम में आए थे एक स्पिन गेंदबाज के रूप में थे, लेकिन बल्लेबाजी की अद्भुत क्षमता के कारण जल्द ही वह श्रीलंका के लिए वनडे के साथ ही टेस्ट मैच में भी ओपनिंग करने लगे। साल 1996 में भारत पाकिस्तान और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुए वनडे विश्व कप से श्रीलंकन क्रिकेट टीम का स्वर्णिम युग शुरू हुआ और इसके नायक थे सनत जयसूर्या। अर्जुन राणातुंगा की करिश्माई नेतृत्व में खेल रही श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने अपने प्रदर्शन से इस विश्व कप में खेल रही क्रिकेट जगत की कद्दावर टीमों को हैरत में डाल दिया। श्रीलंका ने इस विश्व कप में इंग्लैंड और भारत को तो हराया ही, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को हराकर पहली बार विश्व कप खिताब पर अपना कब्जा जमाया। इस विश्व कप में सनत जयसूर्या अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के दम पर मैन ऑफ द सीरीज बने और क्रिकेट जगत के सुपरस्टार बन गए। इसके बाद जयसूर्या ने अपने क्रिकेट करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई रिकॉर्ड्स बनाते चले गए। साल 1997 में जब वनडे में टीमें बहुमुश्किल 250 का आंकड़ा छू पाती थी, सनत जयसूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 48 गेंदों में शतक ठोक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी टूर्नामेंट में मात्र 17 गेंदों में अर्धशतक भी बनाया था। वनडे में तो दुनिया ने सनत जयसूर्या के जलवे देख लिए थे, अब बारी टेस्ट क्रिकेट की थी। यहां भी सनत जयसूर्या ने अपने झंडे गाड़े। उन्होंने तब श्रीलंका की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के खिलाफ कोलंबो में 340 रन बनाए। उस मैच में जयसूर्या ने रोशन महानामा के साथ मिलकर 576 रनों की साझेदारी बनाई थी, जो टेस्ट क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी। इस रिकॉर्ड को उनके ही देश के कुमार संगकारा और महिला जयवर्धन ने तोड़ा, जिन्होंने तीसरे विकेट के लिए 624 रनों की साझेदारी की थी।
बाद में सनत जयसूर्या ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम का कप्तान के रूप में भी नेतृत्व किया और काफी सफल भी रहे। उन्होंने साल 2011 में क्रिकेट को अलविदा कहा। जब उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ा तब उनके नाम टेस्ट और वनडे T20 मिलाकर 21,032 रन, 42 शतक और 103 अर्धशतक दर्ज थे। उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 440 विकेट भी लिए। वह क्रिकेट के पहले सुपरस्टार ऑलराउंडर थे जिसने इस खेल के कई अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित किया। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।